हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईफोन 7 प्लस को मैंने 15.7.8 नए अपडेट पर इंस्टॉल कर लिया है। इस अपडेट में क्या खास नए फीचर्स आए हैं, क्या चीज़ें नई हैं, क्या प्रॉब्लम तो नहीं आपके डिवाइस को हो जाएगी, क्या बैटरी में कोई इशू है, या परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई, या हीटिंग ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो शुरुआत करते हैं सेटिंग्स से। सबसे पहले आप देख सकते हो सेटिंग्स में चलते हैं तो जनरल में, अबाउट में iOS 16.6 नहीं, iOS 15.7.8 iPhone 7 Plus के लिए। सो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। सो कुछ कंपैरिजन हो जाए सबसे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर है इसका 19S364, और पुराने से कंपेयर किया जाए, मैंने जो है अपडेट अपना पुराना मेरा अपडेट था 15.7.7, उसका बिल्ड नंबर था 19S357। सो इसका बिल्ड नंबर और उसका बिल्ड नंबर जो है ऑलमोस्ट चेंज्ड है, 364 अब हो गया है, अब पहले 357 था। सो बिल्ड नंबर चेंज्ड है। और क्या क्या चीज़ें में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले अवेलेबल स्पेस मेरी थी 61.25 GB, अब चेक करते हैं कि कितनी कम हुई है या कितनी फ्री हुई है। 61.29 GB में से कम होकर 59.59 GB हो गई है। सो ये अपडेट जो है किसी भी प्रकार से आपके आईफोन की स्पेस को फ्री नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा कंज्यूम करेगा। सो आप ध्यान से अपडेट करो, अगर आपके पास स्टोरेज स्पेस की कमी है तो आप वेट कर लो, मे बी थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाए इस अपडेट से, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 59.59 GB स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी और कम हो गई है। और चीज़ों की बात करूँ तो मॉडम फर्मवेयर 6.03.01 है। सो मॉडम फर्मवेयर चेंज हुआ है नहीं, लेट्स कंपेयर। सो पहले मॉडम फर्मवेयर था 6.03.01 और अब मॉडम फर्मवेयर सेम है। सो नेटवर्क में आपको कोई भी कमी या कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जैसे पहले चल रहा था एग्जैक्टली सेम वैसे चल रहा है। अगर आपके केस में कुछ वेरिएशन दिखा रहा है या कुछ चेंजेस हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके केस में आईफोन 7 प्लस कैसा परफॉर्म कर रहा है नेटवर्क के रिगार्डिंग। ओके, सो आगे बात कर रहा हूँ तो जैसे कि आई ऑलरेडी मैंशनड यू कि स्टोरेज स्पेस जो है और ऑक्यूपाइड हुई है, फ्री कुछ नहीं किया आईफोन ने। सो मेरे आईफोन की स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हो 128 GB वाला आईफोन है और 70 GB ऑलमोस्ट इसने फुल की है। सिस्टम डेटा कैलकुलेट अभी हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम डेटा कितनी जगह घेर के बैठा है, क्या नॉर्मल है कि ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेशन अभी हो रही है, मे बी इस फ़ोन में मुझे स्टोरेज बग देखने को मिले, लेकिन फिर भी जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स सी, इसको एक मिनट देते हैं, अगर तो बैटर कैलकुलेट हो जाती है तो वेल डन, वरना नहीं, वरना रिस्टार्ट करके चेक करेंगे कि स्टोरेज बग तो नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हो बैक करते ही आईफोन ने कैलकुलेट कर लिया है सिस्टम डेटा भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 4.5 GB के आसपास का सिस्टम डेटा है। सो स्टोरेज बग इस फ़ोन में नहीं है, नेटवर्क जो है सेम रहेंगे बिकॉज मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ है। और नए फीचर्स की बात करूं, सो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इसका साइज़। इस अपडेट का जो साइज़ है वो हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 250 MB से कम। लेट मी शो यू, जैसे कि आप देख सकते हो 203 MB का इस अपडेट का साइज़ है, और आपके केस में ये सेम है या नहीं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है जी। सो ये मैंने कर लिया है इंस्टॉल, और अब मैं आपको कंक्लूजन नहीं बता सकता अभी एट ए टाइम, बिकॉज रिसेंटली एक ही दिन हुआ है अपडेट को इंस्टॉल किए हुए। सो ऐसा मैं बता दूं कि भाई एक दिन में बैटरी बहुत शानदार है, परफॉर्मेंस ठीक है, वो है ठीक है, ऐसा बकवास है, वो बकवास है, ऐसा मैं नहीं करने वाला। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं थोड़े 3-4 दिनों के बाद आपके लिए कंक्लूजन लेके आऊँगा कि आप अपने 7 प्लस में ये अपडेट इंस्टॉल करो या ना करो। तब तक के लिए आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपडेट को ना इंस्टॉल करो, मे बी आपका इतना पुराना आईफोन है क्या खराबी आ जाए कि कुछ पता नहीं है। सो एक बार मैं आपको लास्ट में बैटरी टेस्ट करवाना चाहूँगा, टेस्ट इन द सेंस चेक करवाना चाहूँगा। पहले मेरी बैटरी हेल्थ थी 85% अपडेट से पहले, अब चेक करते हैं। सो सेटिंग्स में आप देख सकते हो बैटरी और बैटरी हेल्थ, और अभी 84 हो गई है। सो 1% ड्रॉप की है अपडेट ने। सो अगर आपके केस में अगर आप नहीं चाहते बैटरी हेल्थ ड्रॉप करना, मे बी बाय द वे ये जो अपडेशन है ये हर एक के केस में अलग अलग होगी। अगर आपके केस में ये अपडेट बैटरी लूज़ करता है, सो मे बी आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप होनी ही है, दैट्स वाई अपडेट जो है बैटरी को रिकैलिब्रेट करता है, जो कि एक्चुअल बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। सो इस टाइम मेरे आईफोन 7 प्लस की बैटरी हेल्थ 84 है, आपकी कितनी बैटरी हेल्थ है कमेंट सेक्शन में बताना। सो वेट कर लो, अभी अपडेट इंस्टॉल ना करना, वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखा सकूँ, कंक्लूजन बता सकूँ कि हाँ या ना रिलीज़ करूँ, कि अपडेट करो या ना करो। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर आईफोन 7 प्लस, कैसी लगी जस्ट लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।